नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी फैक्ट शो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे बेहतरीन फाइटर जेट के बारे में। इनका कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही फाइटर जेट अपने अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं और अपने देशों को इन दोनों फाइटर जेट ने बहुत सारे युद्ध, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे एयर कॉम्बैट जिताने में मदद की है। और ये दोनों फाइटर जेट अपने आप में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं एविएशन इंडस्ट्री में। एक है बोइंग का F-15 ईगल, इसका टॉप वेरिएंट के बारे में हम बात करेंगे, जो है EX मॉडल इसका। दूसरी तरफ है रूस का सुखोई SU-35S मॉडल, ये भी टॉप मॉडल है अपनी और अपने आप में सबसे एडवांस मॉडल है सुखोई 35 जो फाइटर जेट है उसकी लाइनअप का। तो दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, इनके कमियां, इनकी खूबियां जानेंगे और अंत में देखेंगे कि कौन फाइटर जेट सबसे बेहतर है। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो यहाँ मिलेंगे। कंपैरिजन जितने भी हैं अब यहीं पर आपको कंपैरिजन में करके दिया करूंगा अलग अलग टॉपिक पर, जो मैं वहाँ दूसरे मेन चैनल पर नहीं कर पाता। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सुखोई की। तो सुखोई एक मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। इसे मतलब कि बनाया गया था सोवियत यूनियन के समय में, और फिर आज की तारीख में तो खैर सोवियत यूनियन रशिया कहा जाएगा आज। तो डिज़ाइन इसे किया है सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने, और बनाया इसे कोस्मोल्स्क ऑन अमूर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन ने। इसकी पहली फ्लाइट हुई थी 28 जून 1988 को, और इसे सेना में शामिल किया गया फरवरी 2014 में, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी, उन्हें ठीक करते करते 2014 में आखिरकार सेना में शामिल हुआ और आज भी सेना में है रशियन एयरफोर्स में। इसके अलावा चीनी एयरफोर्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात करें इसकी कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट पड़ती है करीबन 85 से 95 मिलियन डॉलर के आसपास। मतलब कि इतनी वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि किसी कंट्री को इसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा लगवाना हो तो इस हिसाब से प्राइस घट बढ़ जाती है, लेकिन मिनिमम 85 और मैक्सिमम 95 मिलियन डॉलर। बात करें हम F-15 ईगल की, तो F-15 एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसका नेशनल ओरिजिन है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ने इसे बनाया है, और मैन्युफैक्चरर इसका मैकडोनल्ड्स डगलस बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट फ्लाइट इसकी हुई थी 27 जुलाई 1972 में, और इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ था सेना में ये 1976 में हो गया, लेकिन आज इसका जो सबसे बेस्ट वेरिएंट है जो हाल ही में डेवलप किया गया है, अमेरिकी सेना ने इसे खरीदने के लिए करीबन 80 का ऑर्डर भी दे दिया है, वो है F-15EX। बात करें इसका प्राइमरी यूज़ कौन कौन इस्तेमाल करता है, इसे इजरायली एयरफोर्स करती है, रॉयल सऊदी एयरफोर्स करती है, जापान एयरफोर्स करती है, इसके अलावा यूनाइटेड एयरफोर्स तो करती है ही। और आज की तारीख में अगर मैं बताऊं कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, तो इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है, अगर मान लीजिए ए अभी वेरिएंट की कॉस्ट पड़ती है करीबन 30 मिलियन डॉलर आसपास, लेकिन जो हम आज टॉप मॉडल की बात कर रहे हैं वो पड़ती है 70 से 75 मिलियन डॉलर, यानी 70 से 75 मिलियन डॉलर, यानी कि प्राइस के मामले में सुखोई से काफ़ी सस्ता है। बात करें इसे चलाने के लिए क्रू, यानी कि SU-35 को चलाने के लिए एक क्रू की जरूरत पड़ती है, यानी एक पायलट की, जबकि F-15 को चलाने के लिए दो जो पायलट्स की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन आज की तारीख में सुखोई के 130 फाइटर जेट एक तरीके से सर्विस में या बनाए गए हैं। F-15 के 420 और 80 और बनाने का एक तरीके से ऑर्डर मिल चुका है मतलब बोइंग को अमेरिकी सेना की तरफ से। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड किंगडम की सेना है वो भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। लेंथ की मतलब कि लंबाई, सुखोई की लेंथ है करीबन 71 फीट और जो बोइंग F-15 की जो लेंथ है वो 63 फीट, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस है करीबन 8 फीट का, 8 फीट ज़्यादा लंबा है सुखोई SU-35S। विड यानी कि चौड़ाई करीबन बैठती है करीबन 50 फीट SU-35 की, वहीं F-15 की बैठती है करीबन 42 फीट। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, 7 फीट छोटा है F-15 सुखोई से। हाइट की बात करें तो हाइट है लगभग सेम ही है, 19 फीट, दोनों की ऊंचाई लगभग सेम सी ही है। बात करें अगर हम इसके इंजन्स की, तो जो सुखोई में लगे हुए हैं दो इंजन लगे हुए हैं, सैटर्न AL-41F1S आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन। और बात करें अगर हम जो F-15 है उसमें दो इंजन लगे हुए हैं प्रिटनी एंड विटनी के, और ये है F-100PW229 टर्बोफैन इंजन है, और ये आफ्टर बर्न डेवलपिंग इंजन ये भी सेम है। बात करें अगर हम दोनों में पावर कौन ज़्यादा जनरेट करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर F-15 ज़्यादा पावर जनरेट करता है। उसका कारण मैं बता देता हूँ, स्पीड के मामले में, स्पीड जो SU-35 की है करीबन 2400 किलोमीटर पर आवर की है, वहीं दूसरी तरफ जो F-15 है उसकी स्पीड है करीबन 2700 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि आप देख सकते हैं जो स्पीड में कितना अंतर। इसका कारण है कि इंजन की वजह से इतनी ज़्यादा स्पीड रखता है। रेंज, लेकिन रेंज के मामले में यहाँ पर सुखोई थोड़ा बाजी मार जाता है। सुखोई की रेंज है करीबन 4200 से 4300 के आसपास होती है, अलग अलग कहा जाता है, लेकिन
आप 4200 मानिए, दूसरी तरफ जो F-15 है उसकी बैठती है करीबन 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, सर्विस सीलिंग यानी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जीतता हुआ दिखता है F-15, जो SU-35 की रेंज है वो करीबन 60,000 फीट तक जा सकता है, वहीं जो F-15 है वो करीबन जा सकता है 65,000 फीट तक, ये 5,000 फीट ज़्यादा है। लेकिन इसका ये टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, पुराना मॉडल जिसको इसका आता था अब तक ABC मॉडल, वो जाते थे करीबन 60,000 फीट, लेकिन इसकी अब बढ़ा दी गई है। आर्मामेंट यानी कौन कौन से हथियार लगाए जा सकते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें पहले सुखोई की, तो सुखोई में लग सकते हैं आर सीरीज की जितनी भी मिसाइल है, A-12 मिसाइल है जो रूस की प्रीमियम सीरीज मानी जाती है, जैसे कि उसमें आती है R-27, 40, 60, 73, 77, सारी मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा KH सीरीज की जो एयर टू सर्फेस मिसाइलें होती हैं यानी कि आसमान से ज़मीन पर वार करने वाली, उसमें KH सीरीज है उसकी 25 ML, 25 MP, 29, 31, 59 ये सारी मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा गाइडेड बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं GBU सीरीज के, GBU-500, GBU-1000। इसके अलावा इसमें जो गाइडेड एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाए जा सकते हैं जैसे कि GBU-500T और GBU-1000T, और इसके अलावा S-25 इंफ्रारेड गाइडेड रॉकेट्स भी इसमें लगाए जा सकते हैं। वहीं बात करें हम F-15 की, तो F-15 में लगाए जा सकते हैं 4 AM-7 स्पैरो मिसाइल, इसके अलावा 4 AM-9 साइड विंडर मिसाइल, इसके अलावा 8 AM-120 MRM मिसाइल, इसके अलावा इसमें जो गाइडेड बॉम्ब होते हैं वो लगाए जा सकते हैं, इसके अलावा रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं लेजर गाइडेड, और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर वारहेड तो खैर दोनों ही ले जा सकते हैं, और इसके अलावा जितनी भी मिसाइलें USA के पास है टोटल इसमें सब लग सकती हैं, इस तरह की कैपेबिलिटी इसमें है। बात करें एवियोनिक्स की, एवियोनिक्स के मामले में यहाँ पर बात करें पहले F-15 के बारे में बात कर लेते हैं, तो रडार इसमें लगा हो रहा है रेथियन का AN-APG-63, और इसके अलावा इसमें नॉर्थ्रॉप ग्रूमन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजिंग सिस्टम है, और अगर इसमें और बात करें तो मैं इसमें नॉर्थ्रॉप ग्रूमन का ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम LQ-135 इंटरनल काउंटर मेजिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। बात करें सुखोई की, तो सुखोई में लगा हुआ है इब्रिस ई पैसिव इलेक्ट्रोकाइनेटिक स्कैनिंग एरे रडार, इसके अलावा इसमें OLS-35 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इसके अलावा L-175M इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। तो दोनों में एक तरीके से एक से बढ़कर एक चीज़ें लगी हुई है दोनों में, लेकिन जो कैपेबिलिटी है लगभग सेम सी ही है, किसी में स्पीड ज़्यादा है तो किसी में रेंज बढ़ जाती है, लेकिन अगर बात करें दोनों की रियल लाइफ परफॉर्मेंस की, तो दोनों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाई है, चाहे सुखोई ने सीरिया हो या दूसरे युद्ध हो वहाँ पर जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, या फिर F-15 ने जो इराक में युद्ध लड़ा हो। आपको बता दूं कि जिन्हें नहीं पता कि F-15 का एक खास रिकॉर्ड भी है कि आज तक इसे दुश्मन की टेरिटरी में मारकर नहीं गिराया जा सका। वहीं SU-35 कई बार ऐसा हुआ है कि ये मारकर गिराया जा चुका है, लेकिन जो F-15 के बारे में ऐसा एक खास ये रिकॉर्ड है, इसका 104/0 का रिकॉर्ड है, यानी 104 इसने फाइटर जेट आज तक मार के गिराए हैं, लेकिन किसी ने भी इसे आज तक मारकर नहीं गिराया है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि SU-35 खराब फाइटर जेट है, दोनों जबरदस्त फाइटर जेट है, लेकिन प्राइस के मामले में या फिर दूसरी चीज़ों को देखें तो F-15 थोड़ा यहाँ पर आपको सस्ता और थोड़ा अच्छा लगता है, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर जाता है, लेकिन दोनों में अंतर 19-20 का ही है, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। मेरे दोनों फेवरेट फाइटर जेट है, भारत अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई सा भी फाइटर जेट लेता है तो दोनों एकदम जबरदस्त फाइटर जेट हैं, या फिर भारत अगर मेरी ख्वाहिश है कि अगर भारत इन दोनों में जैसे में से कोई सा भी एक जैसा फाइटर जेट अगर बना पाए तो भारत को जबरदस्त पावर मिल सकती है। दोनों फाइटर जेट बहुत जबरदस्त है लड़ाई के मामले में, रियल लाइफ लड़ाई के मामले में, कागजों पर नहीं, जैसे कि F-35 हो गया या फिर SU-57 हो गया रूस का, ये कागजों पर तो बहुत अच्छे फाइटर जेट है पर लेकिन पता नहीं इनकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन इन दोनों लड़ाकू विमानों की, SU-35 की और F-15 ईगल की रियल लाइफ परफॉर्मेंस असल लड़ाई में इन्होंने एक से बढ़कर एक कारनामे कर दिखाए हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप बताइए कि आपको कौन सा फाइटर जेट ज़्यादा बेहतर लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। आप कौन सा फाइटर जेट चाहते हैं कि भारत भविष्य में इसके जैसा फाइटर जेट बनाने में कामयाब हो, कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के बाद सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो, दोस्तों कीप सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू वेरी मच।